बॉलीवुड की दो खूबसूरत एक्ट्रेस जयाप्रदा और श्रीदेवी ने 80 के दशक में लगभग 8 से 9 फिल्मों में साथ काम किया और दर्शकों का दिल जीता, लेकिन अक्सर स्क्रीन पर जो दिखता था वो पूरा सच नहीं होता। ये वो दौर था जब जयाप्रदा और श्रीदेवी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हुआ करती थी। तब दोनों के बीच तनातनी की खबरें भी बेहद आम थी। जया और श्रीदेवी हम उम्र थीं और बॉलीवुड की टॉप हीरोइन में से थीं। ऐसे में कंपटीशन की भावना तो आ ही जाती है। कई फिल्मों में एक दूसरे का साथ निभाने वाली ये एक्ट्रेस असल में एक दूसरे से मिलने जुलने में कतराती थी। खबरों की माने तो जयाप्रदा श्रीदेवी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन फिल्म मकसद की शूटिंग के वक्त एक बेहद दिलचस्प किस्सा हुआ। दरअसल साल 1984 में रिलीज हुई इस फिल्म में जयाप्रदा और श्रीदेवी लीड एक्ट्रेस थी। इस फिल्म में जितेंद्र और राजेश खन्ना उनके हीरो थे। फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन फिल्म की दोनों एक्ट्रेस एक दूसरे से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये बात जितेंद्र और राजेश खन्ना को रास नहीं आ रही थी। ऐसे में एक दिन राजेश खन्ना और जितेंद्र ने जयाप्रदा और श्रीदेवी को एक साथ एक मेकअप रूम में बंद कर दिया। उन्हें लग रहा था कि ऐसा करने से दोनों के बीच सुलह हो जाएगी, पर जब 2 घंटे बाद मेकअप रूम का दरवाजा खोला गया तो अंदर का सीन कुछ और ही दिखा। जया और श्रीदेवी दोनों ही अलग अलग कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। जितेंद्र और राजेश की ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही।